Hey guys, welcome back to my channel. This is Jaya. I hope you all are doing well. And if you are new to my channel, so please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for latest updates regarding NC Web and the career counseling. जो भी चीजें हैं आपको देखने को मिलेगी मेरे चैनल पर after the NC Web admissions. अभी तो NC Web के admissions चल रहे हैं, जैसे कि अभी बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं बच्चों को, हद से ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं. जो कि नंबर वन पे जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है एनसी वेब की साइट. सीरियसली गाइस, मैं बोल नहीं सकती हूँ, आई कांट टॉलरेट दिस टाइप्स ऑफ बिहेवियर ऑफ एनसी वेब. जो कि एनसी वेब वाले बिहेवियर कर रहे हैं ना बच्चों के साथ, मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ. उनके रिगार्डिंग मैंने 10 मेल भेज चुकी हूँ कल से, सीरियसली. और अब मेरे को लग रहा है मैं विजिट करूंगी जाके एनसी वेब, बिकॉज बच्चों वो एनसी वेब वालों ने हद कर रखी है. ना ही उनकी साइट प्रॉपरली चल रही है. एक तो आप लोग जब 2 दिन का टाइम दे रहे हो एडमिशन के लिए, तब भी एडमिशन के लिए आप टाइम इतना कम दे रहे हो, जिसमें से बच्चों की जो साइट है वो दिन में वंस अ डे आप लगा लो 2 या 3 बार या 4 बार चल रही है, उसके बाद साइट फिर से एरर शोइंग एरर एवरी टाइम जो है एरर शो हो रहा है, जिसके वजह से बहुत सारे बच्चों के एडमिशन्स नहीं हो पाए हैं. और सेकंड मेन थिंग रिजेक्शन जो कि बच्चों का हो रहा है, ठीक है. मतलब एक के बाद एक रिजेक्शन आ रहे हैं बच्चों के. अब इतना मतलब बच्चों ने एक तो पूरा साल वेट करा है एनसी वेब की, कि हाँ एनसी वेब का एडमिशन लेना है, देन अब उनका जो भी रिजेक्शन हुए जा रहा है. तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. मेरा जो एनसी वेब को लेके लास्ट 2 साल से मैं एनसी वेब के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, मुझे कभी भी इतना गंदा नहीं लगा और मुझे कभी भी इतना लो नहीं फील हुआ एनसी वेब की, लो क्वालिटी एनसी वेब की नहीं फील हुआ, जिस मुझे इस बार फील हो रहा है. इस बार मुझे फीडबैक जो मिल रहा है एनसी वेब के बच्चों का, वो बहुत गंदा मिल रहा है कि मैम हमारी पेमेंट हो गई, तो हम कॉलेज को जाके बोल रहे हैं कि हमारी पेमेंट आप ही के कॉलेज में हुई है, हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो गई. बैंक वाले जब हमें ये चीज़ कह रहे हैं कि मैम आपकी कॉलेज वालों के पास पेमेंट चली गई है, कॉलेज वाले डिनाई कर रहे हैं साफ कि हमें पेमेंट नहीं मिली है, जबकि स्टूडेंट के पास एक प्रूफ है, उसकी बैंक स्टेटमेंट में प्रूफ है कि आपके पास पेमेंट गई है. और कौन सा कॉलेज, जिस कॉलेज के लिए आप लोग मेनली बहुत ज़्यादा ही वो कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही कर रहे हो कि हाँ मुझे उसी में एडमिशन मिल जाए, उसी कॉलेज में, हंसराज, ठीक है. तो इतने अच्छे अच्छे जितने नाम बड़े दर्शन छोटे, वो कहावत है ना, वही चीज़ हो रही है अब. तो प्लीज़ सबसे बड़ी बात, अब फर्स्ट और सेकंड कट ऑफ वाले बच्चों का एडमिशन तो जिन्होंने जहाँ अप्लाई करा वहाँ हो गया. अब बात आती है थर्ड कट ऑफ वालों के लिए. बेसिकली ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो थर्ड कट ऑफ में अब एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है. सेकंड कट ऑफ वालों का जो एडमिशन है वो उन्होंने अप्लाई कर दिया, दैट्स इट. अब सेकंड कट ऑफ वालों को ये समझ लेना चाहिए कि जो भी आप लोगों के ऑप्शन है अप्लाई जो आपने कर दिया है, अब जो भी ऑप्शन आपका कॉलेज को अप्रूवल है, वो कॉलेज का अप्रूवल आएगा, ठीक है. जब आपका कॉलेज अप्रूव कर देगा, मैं सारी चीज़ें आज साथ लेके बैठी हूँ, ठीक है. मैंने सोचा है आज फेस टू फेस की एक वीडियो बना ही देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं बना रही हूँ, तो गर्मी इतनी होती है मन नहीं करता बनाने का, ठीक है. तो चलते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, जो कि कहाँ से क्या क्या शेड्यूल है. बच्चों को पता तो है, बट फिर भी बताना मेरे लिए अच्छी बात है, मैं बता दूंगी. और प्लीज़ गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि 3000 बच्चे मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं. थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा, मेरे को इतनी प्यारी प्यारी विशेस दी. प्लीज़ गाइस, आप लोग इतने सारे लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब के साथ, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाइए और मुझे फॉलो करिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन. इंस्टाग्राम पे फॉलो करें मुझे. और मेरा जो एनसी वेब का डिस्कशन ग्रुप है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है, आप मेरे ग्रुप को भी फॉलो करिए. तो जो शेड्यूल है सेकंड एडमिशन कट ऑफ का, जो कॉलेज टू कंप्लीट अप्रूवल्स फॉर एडमिशन अगेन सेकंड कट ऑफ संडे, ठीक है. 27 अगस्त संडे को जो है आपका 5 बजे तक आपका जो कॉलेज है आपका अप्रूव कर देगा. आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल ही आ जाएगा, तो वो अप्रूव कर देगा कॉलेज इसके रिगार्डिंग, ठीक है. फिर नीचे है कॉलेज लास्ट डे ऑफ पेमेंट बाय कैंडिडेट अगेन सेकंड कट ऑफ, ठीक है. तो आपकी जो पेमेंट है वो, अब पेमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो मुझे आपको बताना है. 5 PM 28 अगस्त, ठीक है. 28 अगस्त को मंडे को आपको शाम के 5 बजे, इट मीन्स ये नहीं कि 5 बजे तो आप
459 पे बैठ रहे हो पेमेंट करने के लिए, बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं। ये मैं आपको प्लीज सजेस्ट कर रही हूँ अच्छे तरीके से कि आपकी जो पेमेंट है आपको करनी है 3 या 2 बजे आप बैठ जाओ लेके, कि अगर आपके पास 4 बजे पेमेंट का लिंक आ रहा है तो आप पेमेंट कर दो, दैट्स इट। कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। प्लीज़ अगर आप लोग मेरे को कुछ भी मानते हो अपनी लाइफ में, कुछ भी, बड़ी बहन, एज अ बड़ी सिस्टर, एज अ बिग सिस्टर, एज अ काउंसलर, जो भी चीज़ मैं कहना चाहूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे को बहुत अच्छी अच्छी प्रेयर्स दे रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत अच्छी मेरे लिए प्रेयर्स कर रहे हैं कि दी आपका चैनल ग्रो करे, और आपकी प्रेयर धीरे धीरे काम कर रही है, चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। एंड आई होप और भी आगे, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बाकी है, आगे 10K 1 लाख आगे और भी बढ़ना है, तो वो तो बढ़ेंगे साथ में, आप हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने अभी कमाई है इस साल वो है ये वाली साल, जो ये मेरे फ्रेशर्स हैं एनसी वेब के, वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे बच्चे हैं वो, जो रियली मैं अप्रिशिएट करते हैं मेरा कंटेंट, जो चीज़ें मैं आपके लिए ला रही हूँ वो चीज़ आप अप्रिशिएट करते हो मेरे कंटेंट को, सो उसके लिए दिल से शुक्रिया, ठीक है, धन्यवाद। तो अब बात करते हैं थर्ड एडमिशन कट ऑफ की। तो थर्ड एडमिशन जो सेकंड कट ऑफ के रिगार्डिंग डाउट्स थे उसकी जो वीडियो प्रीवियस वीडियो थी मैं ऑलरेडी ला चुकी हूँ, जो कि मैंने डाल दी है इससे पहले वाली वीडियो, वो आपने देख ली होगी, लाइक भी कर दी होगी, ठीक है, और शेयर भी कर दी होगी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बेसिकली ये थर्ड एडमिशन कट ऑफ वालों के लिए कुछ सजेशन है, कुछ टिप्स है, ठीक है, टिप्स फॉर थर्ड कट ऑफ के आपको क्या करना है। थर्ड कट ऑफ वालों की जो डिक्लेरेशन है वो 30 अगस्त को हो जाएगी, वेंसडे को, ठीक है, वेंसडे को आपकी जो है थर्ड कट ऑफ की आ जाएगी कैंडिडेट्स की। उसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए अप्लाई का ऑप्शन कब आएगा, 31 अगस्त को आएगा आपका, थर्सडे को, ठीक है, 31 अगस्त को 10 बजे सुबह आ जाएगा आपके पोर्टल पर, जो कि ये वाली सबसे बड़ी फर्स्ट पॉइंट कि 10 बजे आपके पोर्टल पर जो आता है दिक्कत 10 बजे के पोर्टल पे, वो ये आती है कि ऑप्शन नहीं आता बच्चों का, अप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जिन बच्चों के ऑप्शन नहीं आ रहे हैं उनके पास बस एक यही बचता है लास्ट ऑप्शन, कि अगर आपके पोर्टल पे अप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो किस वजह से नहीं आ रहा है, उसके लिए आपको एनसी वेब विजिट करना पड़ेगा, या जहां एनसी वेब वालों ने बोला है कंप्यूटर सेंटर, या जहां पे बोला है प्लीज विजिट करो अगर आपको एनसी वेब में एडमिशन चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों के एडमिशन इस साल नहीं हो पाएंगे, वो भी इस वजह से क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, जबकि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एकदम प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ही अच्छे नहीं होंगे, मतलब बिल्कुल करेक्ट नहीं होंगे, और डॉक्यूमेंट्स तो आप चाहे कहीं पे भी लगाओ, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, योर डॉक्यूमेंट शुड बी इन प्रॉपर वे में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सारे, ठीक है। तो थर्ड कट ऑफ वालों को बेसिकली मैं यही पॉइंट्स बता रही हूँ कि जो फर्स्ट और सेकंड कट ऑफ वालों ने गलतियाँ करी हैं वो आप ना करें, ठीक है। तो थर्ड कट ऑफ में जो अप्लाई करेंगे उनको यही करना है कि 10 बजे अगर आपका अप्लाई का ऑप्शन आ गया तो आप घबराइए मत, क्योंकि बच्चों का जो मेन चीज़ हो रही है ना, मेन इश्यू, जो मेन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वो ये हो रही है रिगार्डिंग द अप्रूवल्स, रिगार्डिंग द पेमेंट्स, के बहुत सारे बच्चे क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि मैम नहीं हमारे पे पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा, जैसे ही अप्लाई करा बस डाउट्स पे डाउट्स, मैम हमारे पास पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा, मैम कॉलेज ने अप्रूवल नहीं करा, मैम ये नहीं करा। यार आपको वेट करना है गाइज, इतनी जल्दी कुछ नहीं होता, ठीक है, इतनी जल्दी तो सीरियसली कुछ नहीं मिलता है, मेरे को भी कुछ नहीं मिला इतनी जल्दी, 2-3 साल लग गए यूट्यूब पे करते करते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है, अगर आप वेट करोगे तो जैसे जैसे कॉलेज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं गाइज एडमिशन लेने के लिए, तो जैसे जैसे कॉलेज कुछ कुछ बच्चों जो अप्लाई करते हैं उन सबके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने में बहुत टाइम लगता है, जिसके रिगार्डिंग कॉलेज को 2 दिन चाहिए होते हैं, तो वो भी पहले वेरीफाई करते रहते हैं और लास्ट वेरीफाई की डेट उनको उन्होंने हर कट ऑफ के नीचे आपको शेड्यूल में मेंशन की हुई है कि आपकी जो लास्ट कट ऑफ की डेट है वो इस दिन है, ठीक है, ये चीज़ आपको मेंशन की हुई है लास्ट कट ऑफ की डेट बेसिकली। उसके बाद जो आपकी लास्ट कट ऑफ की डेट करने के बाद आपका आता है पेमेंट, ठीक है, जैसे आपकी लास्ट अप्रूवल की डेट उन्होंने मेंशन करी हुई है, जैसे ही उनका अप्रूव हो जाता है, उसके बाद जैसे ही अप्रूव आ जाएगा नीचे आ जाएगा अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल, ठीक है। तो जैसे ही अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल आ जाता है उसके बाद आपका आता है
पेमेंट का ऑप्शन, तो पेमेंट का ऑप्शन प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि पेमेंट का ऑप्शन आपके जैसे ही आपके उस पर आ जाता है, आपके पोर्टल पे आ जाता है पेमेंट का ऑप्शन, तो आप लोग तभी ही अपनी पेमेंट कर दो, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं इसके रिगार्डिंग, तो टाइम वेस्ट मत करो और आपके पोर्टल पे जैसे ही पेमेंट का ऑप्शन आता है पेमेंट कर दो। तो ये जो दो चीजें हो गई, अप्रूवल और पेमेंट, ठीक है, ये चीजें आई होप मैंने 10 वीडियो में ये टॉपिक बताया हुआ है, फिर भी आपको समझ नहीं आया, तो इस वीडियो से आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो मेन डाउट्स सब बच्चों के आ रहे हैं, वो एक और बहुत सारे डाउट्स हैं जिसके रिगार्डिंग मैं सारे डाउट्स लेके मिक्स करके वीडियो आपके सामने ला रही हूँ, जो यही वीडियो है कि आपके पेमेंट और अप्रूवल के रिगार्डिंग। और फर्स्ट थिंग, किसी बच्चों के नंबर कम है तो गाइज अगर आपके 40% है या कुछ और आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके अगर नंबर कम है, क्योंकि कट ऑफ लिस्ट और मैरिट बेस्ड एडमिशन ही इस बेस पे होता है कि आपके नंबर कट ऑफ अगर जिस टाइप की निकल रही है तो आपके नंबर उस हिसाब से होने चाहिए। और जिन बच्चों का रिजेक्शन हो गया है, जिनके डॉक्यूमेंट्स गलत हैं या जिनका ड्यू टू हाई परसेंटेज हो गया है, कुछ गलत हो गया ऐसे कर करके, तो उन लोगों के लिए अगर स्पेशल कट ऑफ आएगी, अब स्पेशल कट ऑफ बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया है कि जनरल के लिए आएगी या कैटेगरी वालों के लिए आएगी, एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए, बट आई होप, मैं तो पॉजिटिव सोचती हूँ, बी पॉजिटिव के सब लोगों के लिए आए स्पेशल कट ऑफ, क्योंकि जिनके जिन भी बच्चों का रिजेक्ट हो गया फॉर्म, और स्पेशल कट ऑफ तभी लाई जाती है तब एनसीवेब में सीट्स अगर बचेंगी, ऑब्वियस है बचती है, हर साल बचती है, पर इस साल जो इतने ड्रामे हो रहे हैं ना उसके रिगार्डिंग मुझे थोड़ा डर लग रहा है, बट बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो हमेशा, और आई थिंक सीट्स बचेंगी, और सीट्स बचेंगी वैसे ही हमें जैसे स्पेशल कट ऑफ आएगी आई विल अपडेट यू, बट अभी तो रिगार्डिंग द स्पेशल कट ऑफ के रिगार्डिंग कब बोला है ये मैं शेड्यूल में देख लेती हूँ एक बार। अभी तो हमारी थर्ड कट ऑफ आएगी, उसके बाद थर्ड कट ऑफ के बाद सब्जेक्ट टू द वेकेंट सीट आफ्टर द फर्स्ट एंड थर्ड कट ऑफ एंड स्पेशल कट ऑफ, ठीक है, हाँ ये बोला हुआ इन्होंने। अब थर्ड कट ऑफ के बाद आपकी निकालेंगे स्पेशल कट ऑफ के इस कोर्सेज के रिगार्डिंग, जिन कोर्सेज में भी होगा कि इस कोर्सेज में इतनी सीट्स बची हैं, ठीक है, तो वो लोग निकालेंगे। तो अगर आपको एनसीवेब में एडमिशन लेना है और उस कोर्स के अंडर लेना है तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यही सब है वीडियो में, और आपके डाउट्स भी यही सब है, जो भी आपने मेरे को डाउट्स भेजे हैं कि आपके किसी के पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अप्रूवल नहीं हो रहा है, या फॉर्म रिजेक्ट हो गया दी, अब हम क्या करें, अब आपको वेट करना है स्पेशल कट ऑफ का। अगर होप फॉर बेस्ट स्पेशल कट ऑफ में आपका आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो एनसीवेब में इस साल आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो कोई आपको अब मैं अपने सजेशन से क्या बोल सकती हूँ कि अगर SOL की अभी डेट है और जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो उनको मैं एक यही चीज सजेस्ट कर सकती हूँ, अगर आपको अपना ईयर वेस्ट नहीं करना है, अगर आपको अपना साल वेस्ट नहीं करना है तो इग्नू से तो मत लेना प्लीज, ये मैं अपनी रियल मतलब सजेशन दे रही हूँ, इग्नू से मत लेना, ग्रेजुएशन अटके रह जाओगे, ठीक है। आप लोग एक काम करना, इग्नू से सालों साल बच्चे अटके रहते हैं, जो इग्नू का एक्सपीरियंस है फॉर माय एक्सपीरियंस इट्स वेरी लो, ठीक है, बहुत सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, तो इग्नू से मत लेना। आपकी जो ग्रेजुएशन है वो आप लोग कर सकते हो SOL, बस ये है SOL में आपको तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ बच्चों को यही मैंने सुना है, बट ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा हर जगह होता हो, बट आप SOL में अप्लाई कर सकते हो अगर आपको अपना साल वेस्ट नहीं करना, और अगर आपको NCVEB भी चाहिए तो नेक्स्ट ईयर आपको वेट करना पड़ेगा, और नेक्स्ट ईयर वेट करने के लिए आपको कुछ नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर आपको CUET देना पड़े, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फॉर UG आई थिंक CUET वो लोग कर देंगे, तो अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि NCVEB के PG के लिए जो कि मेरिट बेस्ड था उसको भी CUET में कर दिया है कन्वर्ट, तो आई थिंक ये UG को भी CUET में कर देंगे। सो आई होप गाइज आपको मेरा जो मेन मोटिव है वीडियो बनाने का वो समझ आ गया होगा कि जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाएगा तो वो लोग SOL के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिन बच्चों का हो रहा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं तो चाहती हूँ सबका एडमिशन हो जाए, ठीक है, अभी भी बहुत चांसेस है, अभी ये मत सोचो कि NCVEB के एडमिशन खत्म या कट ऑफ सब खत्म, अभी बहुत सारे चांसेस है, तो अभी ये सब मत सोचो, बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचो, सब बच्चों का एडमिशन होगा। लास्ट हम सोचते हैं कि अगर नहीं हो पाया तो आप लोग अगर इस साल नहीं करना चाहते, इस साल वेट करोगे तो आपको नेक्स्ट ईयर करना है, या आप SOL से ले लो, ठीक है। तो मेन अगर आप करोगे तो मेरा सजेशन है SOL, ठीक है, क्योंकि SOL इज बेस्ट, आप इग्नू से ज्यादा आप SOL को ज्यादा प्रेफरेंस देना, वो ज्यादा
बेटर है, सॉरी। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, क्योंकि मेरे चैनल पे एनसी वेब के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, आगे आईडी कार्ड कैसे मिलेगा एनसी वेब के अंदर और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, मतलब नॉट ओनली एनसी वेब और भी चीज़ें होंगी। अब मैं SOL के रिगार्डिंग चीज़ें बनाना स्टार्ट करने वाली हूँ, इग्नू के रिगार्डिंग चीज़ें बनाना स्टार्ट करने वाली हूँ, करियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग, क्या आपको आगे एनसी वेब के साथ साथ, क्योंकि एनसी वेब में आप ओनली वन वीक में क्लासेस लोगे, और क्लासेस के रिगार्डिंग भी आगे वीडियो आएगी, क्योंकि हर बच्चे को अलग अलग मेल आ रहा है। 2 सितंबर में क्लासेस होगी, 10 सितंबर में क्लासेस होगी, 27 अगस्त को जाना है, 28 अगस्त को जाना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और मैं किसी को गलत इन्फॉर्मेशन जब तक प्रोवाइड मैं किसी को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करूंगी जब तक मेरे को खुद उस इन्फॉर्मेशन पे 100% श्योरिटी नहीं होती, ठीक है। मैं तब तक वो चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है, ये चीज़ मुझे पता है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज 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 कीप सपोर्टिंग मी ऑलवेज लाइक यू डू, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस दी बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई होप आप लोग मेरे को इतने लवली लवली मैसेजेस करते हो, वो आप कंटिन्यूसली करते रहोगे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो मेरे को वीडियो भेजना चाहते हैं, मेरे फीडबैक की वीडियो भेजना चाहते हैं, जैसे कि मैंने एक वीडियो बच्चे ने, एक लड़की ने भेजी थी, चंचल ने, मैंने उसकी वीडियो अपने यूट्यूब पे लगाई भी है। तो जो बच्चे मुझे एक फीडबैक वीडियो भेजना चाहते हो कि आपको मेरे चैनल के थ्रू कैसे एडमिशन मिला और मेरे चैनल के थ्रू आपको क्या क्या गाइडेंस मिली, क्या क्या एडमिशन की गाइडेंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट रही या ना रही, ठीक है, तो आप लोग फीडबैक बना सकते हो, आप वॉइस नोट्स भेज सकते हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं इंस्टाग्राम पे आप मुझे वीडियो वॉइस नोट्स जो भेजना चाहो सब भेज सकते हो गाइस, ठीक है, बस हेट मत भेजना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।